चलो देखो गाड़ी आ रही है। कहाँ से आएगी? बदायूं से। तो बदायूं से आ गई है, स्टार्ट नहीं हो रही है, कई मिस्त्री फेल हो गए हैं। लगाओ जरा उधर को लगाओ, वो दो दो तो इंजन फट रहे हैं, तीसरा एक और आ गई है खुलने के लिए। चलो अरे चलो, कैसे कर रहे हैं भाई? एक कुछ इंजन की कंडीशन है, इंजन ऑयल चेक करिए जरा, दिखाओ जरा इंजन ऑयल। चलो पूरा है, कूलेंट की कितना है कि नहीं है? ये तो कुछ भी नहीं है भाई, इसमें पानी लेके आओ डालो, देखते हैं पहले पानी कितना आता है। बस तो और लेके आओ पानी, मारुति की इंजन सीज करने के लिए इतना पानी काफी है, इतना पानी का ना होना। अभी पानी पूरा कर दिए, एक कनस्तरी और आई, एक कनस्तरी में इतना बच गया, यानी कि ये पूरे 1.5 लीटर के करीब में आ गया, 1.5 लीटर से ज्यादा। चलो सेल्फ लगाओ जरा, चलो। ओ तेरी यार, धुआं धुआं, एक बार चल चल चल, बस बंद कर दो, इंजन उतार लो, इंजन इसका सीज हो गया। लेकिन सीज क्यों हुआ, उससे पहले पानी डाल के चेक करो पहले, कहाँ पानी गया, कहाँ इसका सारा बताओ। इतना 1 लीटर पानी, ये तो दूसरा आधा लीटर और आया है, मैंने 2 लीटर पानी मारुति के लिए बहुत है इंजन सीज करने के लिए, और ध्यान नहीं दिए तो। और ये गाड़ी तो बहुत ज़्यादा ठुकी पिटी लगी पड़ी है, तो थोड़ा सा भी लापरवाही, देखो एसी का पाइप कट गया, क्यों ठुकी है, ध्यान ही नहीं दिए, चलाई जाना। तो इसमें क्या होता है, ऐसे में इंजन का नाश होता है, और इसका इंजन का ऐसे में नाश हुआ। तो इंजन उतारो, हम डायग्नोस करने वाले हैं कि आखिर फेलियर कहाँ से हुई, क्यों सीज हुआ, अब क्या हो सकता है अभी ज़्यादा। गैस से तो पता नहीं पड़ी, गैस से तो ऑयल ऐसा लग रहा था कि ऑयल पानी मिक्स नहीं हो रहा, देख सकते हैं आप। लेकिन अब ढक्कन खोलना जरा, एक बार देखें जरा ढक्कन की क्या कहानी है। और गैसकिट फट के धीरे 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 माइनर एक खराब होता चला गया, इसे लगा दो, चेक इंजन लाइट, देखें क्या आ रही है क्या नहीं आ रही है। 244,393 चल चुकी है गाड़ी, ऐसे बजाने से देख रहे हो ना, ऐसा नहीं लग रहा कि इसके अंदर माल है, और पहले ही किसी ने लग रहा कांड कर दिया, फिर भी मैंने साइलेंसर पाइप खुलवाया है। एक बार डाल के देखियो तीली जरा क्या कहता है भाई साहब, पूरे खाली है, किसी ने पहले लूट लिया। निकालो तीली, निकालो, ये देखो, तो ये पूरा किसी ने पहले ही कांड कर रखा है इसका। चलो हमारा तो काम है भाई बताने का कि यार क्या है क्या नहीं है। चलो इसे बाहर को तो निकालो, पहले देखे कि इंजन सीज क्यों हुआ ये। हाँ तो अभी इंजन गियर को अलग कर दिए, अभी इंजन को खोल रहे हैं, टैपिट कवर को खोलते हैं, उठाइए जरा, नहीं क्या कहानी है टैपिट कवर की, हटाओ हटाइयो भाई, पानी ऑयल पानी मिक्स हो गया है, ये कहानी ऑयल पानी मिक्स का, देख रहे ना, आय है है, ऑयल पानी मिक्स है ना वे, हैं क्या कहते हैं, चैम्बर में से बहुत सारा पानी भी निकला था। अच्छा भाई, अभी हेड को उतारी है, और हेड की कंडीशन तो काफी हद तक बुरी दिख रही है, मतलब इतना बुरा तो कंडीशन हम देखे ही नहीं कभी, यानी कि एक सिलेंडर ना चारों ही सिलेंडर खराब है, और इसको हेड को किसी ने फेस भी कराया है, ये स्टैंडर्ड फेस नहीं है, किसी ने फेस कराई है हेड को बहुत बुरी तरीके से, ये देखो। और फेस करा के गैसकिट कौन सा लगाया, चलो ये तो गैसकिट लगाया ठीक लगाया, एमजीपी का ओरिजिनल ही लगाया गैसकिट, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर इसको फेस करा रखा है, यानी पहले ही काम हो रखा है इसमें काफ़ी, और दोबारा से मुझे फेलियर लगा। और वाल की कंडीशन देखो ना, आज तक मुझे लग रहा चेंज ही ना हुए वाल, ऐसा लग रहा है इसी को धो धा कर फिट करते रहे हमें। और ब्लॉक की कंडीशन देखो, आए है भाई, एक बार ये देखना जरा सीन, आ जाओ ही क्लियर हो जाओ, क्या कहते हो। पूरी पिस्टन निकलने को तैयार नहीं है, ये गाड़ी टो हो के आई थी शुरू में आपने देखी, ठीक है, तो पूरी तरीके से सिलेंडर बिल्कुल डेड हो गए। अब कहानी खराब कहाँ हुई है, लीकेज कहाँ हुई है, यहाँ से मैं मेजर कर रहा हूँ तो मेरे को 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट ये डाउन दिख रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा जंग भी लग गया है, स्लिपों में इतनी तेज़ी से जंग लगता है, देख रहे हैं ना, ये तो पानी पहुँचते ही रोका, जंग लग जाएंगे तुरंत ही, तो समझ सकते हैं आप कितना जंग लग गया। और 0.1 2 3 पॉइंट डैमेज हो गए हैं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट,
अब फेस कराना पड़ेगा, फेस बहुत ज़्यादा डाउन रहेगा तो मुझे ब्लॉक भी बदलना पड़ सकता है। और इसका ये खोले नहीं, सेंसर खोल लो। और हेड तो मुझे लग रहा है कि डैडी है, हेड में तो जान ही नहीं बची है क्योंकि ऑलरेडी पहले किसी ने फेस कराया, देख रहे हैं। और ऊपर से दोबारा से इसका क्रिया खराब हो गया तो मुझे चेंज ही करना पड़ेगा ज़रूर। और तुम्हें फॉल्ट दिखा कि क्यों हुआ ये सब सारा है, इतना खोल रहे हो तो कुछ लीकेज पीकेज दिखा? नहीं, गैस किट तो फटा, लेकिन गैस किट भी क्यों फटा? हाई हीट तो हुई, लेकिन क्यों हीट हुई? गैस किट क्यों फटा? जब किसी ने नया गैस किट डाला, नया फेस कराया दबा के, ये गैस किट न्यू डाली, ये भी न्यू डाला, पैसे खर्चा किया, तो दोबारा फेल क्यों हुआ? वो तो देखो किस वजह से दोबारा हीट हुई और क्यों गैस किट दोबारा फटा, वो तो चेक करो भाई। और बखेरो इसको, पिस्टन को निकालो, वाटर पंप देखो कोई लीकेज पीकेज तो नहीं है, डायग्नोस करो सारे एक एक चीज, 10 मिनट में मेरे को बताओ फिर मैं भेड़ता हूँ। चलो कोई बात नहीं, पिस्टन तो निकाल, वो तो ढूंढ ही लेंगे क्या फॉल्ट है गाड़ी के अंदर। राम राम जी, हमने पिस्टन निकाला, और पिस्टन दिखाओ जरा, पास में आओ, बिल्कुल ये पिस्टन निकाले हैं, बड़ी मुश्किल से पिस्टन निकले हैं, अब पूरा इंजन सीज हो गया। अब बात आती है कि यार इंजन जो सीज हुए हैं, आखिर ये इंजन सीज क्यों हुए हैं, क्या कहानी है? इसके बिगन बैरिंग तक भी सीज हो गए हैं, हैं? तो कहानी क्या, इसका तो बिगन ही खराब हो गया पूरा, पता ही नहीं चला कहाँ उड़ गया। और ये देखो ऑयल पानी मिक्स हो गया, इसकी जाली चौक हो गई, VVT काम नहीं कर रहा है। और जो भी मैकेनिक भाई काम करते होंगे तो यहाँ बोंड ना लगाएं कभी भी, इससे नुकसान है। ये देखो जाली चौक है फुल्ली, दिखाओ अंदर, ये दिखाओ, जूम करो, ये तो देख रहे हो ना पूरी जाली चौक है। तो कभी भी कोई मैकेनिक यहाँ बोंड ना लगाए। रही बात दूसरी, इधर दिखाओ, ये पूरा इंजन खत्म हो गया। बड़ी बारीकी से हमने टेस्ट किया, बैठ जाओ सामने, बड़ी बारीकी से टेस्ट किया, आखिर इंजन फेल क्यों हुआ? जब किसी मिस्त्री ने हेड को फेस कराया, ब्लॉक फेस कराया, तभी भी इंजन सीज। यार बताई उसे गाड़ी आई है लोड होकर, मैंने बहुत डायग्नोस किया एक एक चीज, पाइपलाइन सब चीज, हीटर टूटर सारे मैंने चेक किए हैं। अब इसमें फाइनल रिजल्ट क्या, रेडिएटर लेके आओ जरा, छोटी सी लापरवाही और इंजन सीज हुआ है। ज़्यादा पैसों की बात नहीं थी, कम से कम इंजन करवाने में 50-60 हज़ार रुपये लग जाएगा, क्योंकि ब्लॉक भी चेंज होगा, हेड भी चेंज होगा, ख़त्म ही मानो। नया इंजन डलवाएंगे तो 1.5-2 लाख का पकड़ेगा। पास में आओगे थोड़ा सा ज़्यादा बेटर तरीके से पब्लिक समझ पाएगी और हमारी बात को सुन पाएगी, पता नहीं। ये देखो रेडिएटर की स्थिति देखना इस गाड़ी में, यहाँ एम सील, यहाँ एम सील पूरा, ये देखो ये पूरी एम सील इसके, ये देखो यहाँ से लीकेज तो इन्होंने बोंड वोंड लगा दिए, यहाँ ये फिन्स सारे टेढ़े हुए अपने देख रहे हैं ना, फिन्स एयर पास नहीं होता है, जहाँ हुआ यहाँ देखो ये जुगाड़ किया गया है, बारीकी से रिपेयर किया गया है, ये देखो रिपेयरिंग है, इतना रिपेयरिंग कोई चलेगा यार बिल्कुल ही, मतलब ये कितने का है, ज्यादा ज्यादा 2-2.5 हज़ार का, इतना रिपेयरिंग कोई चलेगा ये? अरे छोटा मोटा एक आध लाइन लीक कर जाती है, रिपेयरिंग चल जाएगा, एक लाइन दो लाइन लीकेज हो समझ में आता है, ये पूरी लाइन ही रिपेयर कर रखी है यहाँ से यहाँ तक, ऐसे कोई चलेगा यार? थू क्लासे से काम कोई चलेगा? ये इंजन है सीज हो जाएगा मिनट से पहले। और कभी भी रेडिएटर की लापरवाही से सबसे ज्यादा इंजन सीज होते हैं। इस गाड़ी में रेडिएटर का प्रॉब्लम था, मुझे लग रहा है वो थू गलासा लगा लगा के रेडिएटर में एम सील लगा के रिपेयर कर करके चलते रहे। और ये इसका पानी कब लीक कर गया, टेम्परेचर तभी दिखाएगा जब गाड़ी के अंदर पानी होगा, ध्यान रखिए। अब बहुत सारा इंजन फेल हो जाता है क्योंकि रेडिएटर टूट जाते हैं, पानी निकल गया, कूलेंट निकल गया, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर काम ही नहीं करता है, जब भी कूलेंट गायब हो जाएगा कूलेंट टेम्परेचर सेंसर काम नहीं करेगा। जब काम नहीं करेगा तो मीटर में लाइट नहीं है, आदमी सो जाएगा, अरे चली दिए, खेचम केज में इंजन सी। तो ये लापरवाही है रेडिएटर को, खासकर हम लोग क्यों चेक करते हैं, चेक काम करवा देते हैं, रेडिएटर साफ कराया, अभी क्रेटा का काम करवा दिया, रेडिएटर सफाई जरूरी है, इनकी वजह से पूरा इंजन सीज हो जाते हैं। इस गाड़ी के साथ में ऐसा हुआ, पानी लीक किया, भैया को पता नहीं पड़ा क्योंकि जब कूलेंट ही नहीं रहेगा तो टेम्परेचर दिखाएगा नहीं, और वो इंजन बिना पानी के चल गया, पूरी तरीके से जितना कोशिश करें उतना सीज हो गया, तो ये ख़त्म ही हो गया पूरा इंजन, सिर्फ 2400-2500 का रेडिएटर के पीछे।
तो आप लोगों का भी इंजन ना सीज हो जाए ऐसे 2400-2500 के चक्कर में। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर एक काम को गाड़ी को मेंटेनेंस जितना अच्छे से रखेंगे गाड़ी यहाँ साथ देंगी, नहीं तो 50-60 हज़ार रुपये तैयार हो जाइए ख़राब करवाने के लिए। ले जाओ इसको हटाओ। और बाकी यही था छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन। अच्छा लगे आपको वीडियो तो बिल्कुल हिट कर दीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब सारे करके रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ जो मज़ेदार होगी। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सावधान रहिए।